आर्यन मिश्रा। आर्यन मिश्रा क्या करता था आर्यन? वो पढ़ाई करता था जी। हर्षित की मम्मी ने बुलाया या क्या किया, उसके बाद मैसेज दिया कि इस नंबर पे 2:15 बजे बात कीजिए। मैं आया, अकड़बाजी किया, उसके बाप ने कहा तुम्हारे बेटे को गोली मार दी। मैं कि कसघर वाले गऊ वाले ने पीछा किया, गऊ हत्या करने वालों को समझ के इनने गोली चलाई। 30 किलोमीटर तक गोली चली और जाके पलवल में गोली लगी। और गौ कसकर समझ के इनको अधिकार मिला हुआ है कि गोली मार दें हमको। ये अधिकार गवर्नमेंट दी है, मोदी सरकार ने दी है, तो क्यों दी है? मैं आपके बेटे का जिसका मर्डर हुआ है, आर्यन मिश्रा। आर्यन मिश्रा हाँ जी, करता था आर्यन? वो पढ़ाई करता था जी। कौन सी क्लास में? 12वीं में। कैसे हुआ उसका मर्डर? ऐसा है जी, हमें कुछ नहीं पता चला। 1:15 बजे उनने फोन करके हर्षित की मम्मी ने बुलाया या क्या किया, उसके बाद मैसेज दिया कि इस नंबर पे 2:15 बजे बात कीजिए, 2:15 बजे बात कीजिए। 2:15 बजे हमारा लड़का बात नहीं किया, उसके साथ था। हमें 3:30 बजे बोला पलवल चलिए, हर्षित पापा ने बात किया, कह रहा पलवल चलिए। हमारा लड़का वहाँ से भगा, लीलम चौक तक आया। वो बोला अपने पापा को नहीं बताया हूँ, पापा को बता लूँ किस लिए चलूँ पलवल। फिर लेके गए बीके ले गए। मैं आया, अकड़बाजी किया, उसके बाप ने कहा तुम्हारे बेटे को गोली मार दी। मैंने कहा गोली किसने मार दी? बोला हमें नहीं पता, SSBI हॉस्पिटल में चलिए, वहाँ पे आपको पता चलेगा। मैं वहाँ आया, एम्बुलेंस लेके पुलिस आई, वो एम्बुलेंस वाले लेके आए। लेने के बाद मैं 112 पे BT करने चला, हर्षित ने मना कर दिया कि BT नहीं करना है, मैंने पलवल में कर दिया हूँ। फिर उसकी माँ कहती है मेरे से कि एक नंबर वाले ने, नाम बता रहे थे 4-5 का, मैं नाम नहीं भूल गया जी, उनने गोली मारा है। बाद में आ रहा है कि कसघर वाले गऊ वाले ने पीछा किया, गऊ हत्या करने वालों को समझ के इनने गोली चलाई। लेकिन अनिल कौशिक मेरे को मिले, अनिल कौशिक से पूछा भैया गोली एक लगी, सिर पे लगी, तो दूसरी गोली यहाँ कैसे लगी? इसका मेरे कोई जवाब नहीं मिल रहा है। अनिल कौशिक बयान दे रहा है, अब बाहर से गोली चली, अनिल कौशिक ने लगी या किसी को लगी, वो बयान कर रहे हैं कि मेरी गोली। मिश्रा जी, हर्षित कौन है? हर्षित मकान मालिक का बेटा है जी। तो क्या उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज है? कोई न, उसके लिए शंकी नाम मुकदमा दर्ज है। शंकी कौन है? उन्हीं का बेटा है मकान मालिक का। वो दूसरा बेटा है? दूसरा बड़ा बेटा है वो। किस चीज का मुकदमा दर्ज है? ये इनका दिखाए हैं 307 दर्ज है, एक नंबर में कोई झगड़ा किए हैं। 307 गोली चलाई थी? हाँ, 307 इनके ऊपर मुकदमा दर्ज है। फिर अपना किस तरह से बता रहे हैं कि भाई पीछा कर रहे थे, पशु तस्कर समझ रहे थे? हाँ, पशु तस्कर समझ रहे। लेकिन हमारे दिल में ये सवाल उठ रहा है जी, 30 किलोमीटर तक गोली चली और जाके पलवल में गोली लगी। और गौ कसकर समझ के इनको अधिकार मिला हुआ है कि गोली मार दें हमको। ये अधिकार गवर्नमेंट दी है, मोदी सरकार ने दी है, तो क्यों दी है? हम पंडित हैं, हमें कोई मतलब ही नहीं, ना कोई हमारा झगड़ा लड़ाई। हमारे पूरे हरियाणा के अंदर मेरे नाम की देख लिए पुलिस चौकी में किसी में फायदा कोई भी एप्लीकेशन तक नहीं होगी, क्यों? हम लाइन है, परदेसी हैं आदमी, कमाने खाने वाले हैं। तो उसका मर्डर हुआ किस वजह से हुआ, किसकी वजह से हुआ, ये नहीं पता चल रहा है जी मेरे को। मकान मालिक ले गए हैं लड़के, उनकी बीबी और हर्षित और संकेत और कीर्ति, बता सकते हैं। कौन कौन था उस समय गाड़ी में सवार? गाड़ी में कीर्ति शर्मा थी और संकेत था, हर्षित था और उसकी मम्मी थी हर्षित की। दो गाड़ियां बता रहे हैं, दो गाड़ियां थी उस समय? एक गाड़ी गई थी, एक गाड़ी थी। गाड़ी पीछा किया गया। डस्टर या फॉर्च्यूनर? लाल गाड़ी है, डस्टर। हम नाम गाड़ी, पढ़े लिखे नहीं है भाई साहब, हम पढ़े लिखे नहीं है। अब 5 आरोपी गिरफ्तार कर, हाँ। आप ये बताइए, आप कितने संतुष्ट हैं उनकी गिरफ्तारी से, खुश हैं? संतुष्ट हैं, ये हैं जी कि जब वो खुद बयान कर रहा है, अब दबाव से कर रहा है, जब बयान कर रहा है कि मेरे से गोली गलती लगी है। लेकिन अनिल कौशिक से हम सिर्फ यही पूछा था मैंने कि दूसरी गोली कैसे लगी कंधे पे? दो गोली लगी है। दो लगी है, एक लगी है सिर में, एक सिर में लगी है। हाँ। और दूसरी कैसे यहाँ लगी? दो गोली लगी है, दो लगी, मौत हुई है दो गोली से, दो गोली से। हाँ, और 3 जो 4 बचे हैं उनको गोली क्यों नहीं लगी?